हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप कम्प्लीटली अंडरग्राउंड पाइपिंग बना सकते हैं हमारी इस वीडियो को देखकर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डोरी वाली पाइपिंग को अंडरग्राउंड अपने नेक में अटैच करना बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। और साथ ही जो हमारे नए मेहमान हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपने नेक में कंप्लीटली अंडरग्राउंड पाइपिंग अटैच करना बताएंगे किस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आप अंडरग्राउंड पाइपिंग को नेक में अटैच कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने पाइपिंग बना ली है, नेक की कटिंग कर ली है और कुर्ती कटिंग कर ली है। लेकिन अगर आपको इन सबको करना नहीं आता, अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता, आपको कुर्ती कटिंग करना नहीं आता, आपको नेक की कटिंग करना नहीं आता, तो इन सब के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे सभी वीडियोज का। और आप हमारी सभी वीडियो देखकर पाइपिंग बनाना, नेक की कटिंग करना और कुर्ती कटिंग करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको पाइपिंग अटैच करना बताएंगे। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए हम यहां पर पहले अपना नेक लेंगे। तो ये हमारा नेक है और इस नेक को आपको पहले अपने कपड़े पर अटैच करना है। तो यहां पर हमने नेक के साइज के हिसाब से कपड़ा लिया हुआ है। इस कपड़े के ऊपर आपको नेक को ऐसे रखना है इस प्रकार से, और जिस तरह की आपकी नेक की शेप है, नेक की शेप पर आपको ऐसे सिलाई लगानी है ताकि आपका नेक कपड़े पर अटैच हो जाए। फिर इसके बाद ये जो बराबर का कपड़ा है, इस बराबर के कपड़े को आपको अपने बुकर्म के ऊपर ऐसे फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी बुकरम को कपड़े पर अटैच कर दिया है। अब हम इसमें अपनी पाइपिंग अटैच करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नेक को कुर्ती में अटैच करने से पहले आपको इसमें पाइपिंग अटैच करनी पड़ेगी, और उसका तरीका क्या है वो आपको बता देते हैं। अब आपको अपने नेक को ऐसे उल्टा करना है, और देखिए जहाँ पर आपकी बुकरम है इसको आपको ऐसे वहाँ पर कपड़ा फोल्ड करना है इस प्रकार से। जहाँ पर नेक है वहीं पर कपड़ा फोल्ड कीजिए इस प्रकार से, और कपड़ा फोल्ड करके आपको यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है अपने पूरे नेक पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये जिस तरह की आपकी नेक की शेप है, हमने यहाँ पे इसी प्रकार से अपने नेक के पीछे ऐसे निशान लगा दिया है। अब आपको लेना है अपनी डोरी वाली पाइपिंग। तो यहाँ पर ये हमारी डोरी वाली पाइपिंग है, इस डोरी वाली पाइपिंग को आपको नेक पे अटैच करना है। इसमें एक बात और है कि इसमें आपका जो डोरी वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो आपका पाइपिंग वाला पार्ट है, उसको आप यहाँ पर ऐसे इस तरह से बाहर रखेंगे, और जो आपका मार्जिन वाला पार्ट है, इस मार्जिन वाले हिस्से को आपको ऐसे अंदर रखना है। और इसमें हम यहाँ पर जो सिलाई लगाते हैं अपनी पाइपिंग को बनाने के लिए, इस सिलाई को हमेशा आपको इस मार्क के ऊपर रखना है। आपको दिखा देते हैं, ये आपको इसको ऐसे रखना है इस प्रकार से, डोरी वाला हिस्सा इधर और मार्जिन वाला हिस्सा इधर, और सिलाई को निशान के ऊपर इस प्रकार से रखना है। अब इसके बाद आपको करना ये है कि आपको उसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए यहाँ पर हमने अपनी मशीन में सिंगल बोट लगा लिया है, क्योंकि सिंगल बोट की मदद से ये पाइपिंग बड़े अच्छे से लगती है और इसमें फिनिशिंग भी आती है और आपको आसानी भी होगी। इसमें हम अपनी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे इसको अटैच करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमने नेक के उल्टे साइड यहाँ पर अपनी पाइपिंग को ऐसे अटैच कर दिया है। अब आपका नेक तैयार है आपकी कुर्ती में अटैच होने के लिए। अब हम अपनी कुर्ती लेंगे। तो ये हमने अपनी कुर्ती ली है, इसको हम ऐसे खोल देंगे, और जैसा कट हमने अपनी नेक में लगाया था ऐसे कट हमने अपनी कुर्ती में लगा लिया है। अब आपको उस नेक को कुर्ती के सीधे हिस्से पर बाहर कपड़े पर ऐसे रखना है इस प्रकार से, ऊपर से कट मिलाएंगे और नीचे सेंटर मिला लेंगे। अब इसके बाद आपको उसमें सिलाई लगानी है बीच में, ताकि नेक जम जाए और इधर उधर ना हिले। अब इसके बाद आपको इसमें एक सिलाई और लगानी है,
ये जो सिलाई आपने अपनी पाइपिंग को नेक में अटैच करने के लिए लगाई है, ये सिलाई आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। अब आपको इस सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगानी है अपने पूरे गले पर। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसके अंदर कपड़ा कट करना है। कपड़ा कट करते वक्त आपको यहाँ बराबर में थोड़ा कपड़ा छोड़ देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने कपड़ा काटने के साथ साथ अपने बचे हुए कपड़े में यहाँ पे छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं, इससे आपको नेक को पलटने में आसानी होगी। अब आपको इस नेक को पलटना है। अब इस नेक को बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से फोल्ड किया और यहाँ पर एक सिलाई लगा दें कच्ची सिलाई, ताकि नेक आपका ऐसे जमा रहे। ये एक कच्ची सिलाई है, नेक तैयार होने के बाद आप इस सिलाई को निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीटली अंडरग्राउंड पाइपिंग नेक में अटैच करना बता दिया है। ये हमारे नेक का बाहर का हिस्सा है और ये हमारे नेक का अंदर का पार्ट है। देखिए, कहीं से भी आपकी पाइपिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन नजर नहीं आएगा, टोटल सिर्फ आपकी पीछे से भी और आगे से भी सिर्फ आपकी पाइपिंग नजर आएगी। तो ये हमारी पाइपिंग बन चुकी है। अब इसमें हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो आपकी पाइपिंग है, इसको आप हर नेक में यूज नहीं कर सकते, इसको आप कुछ नेक में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि राउंड नेक हुआ, बोट नेक हुआ, मटका शेप हुआ, या फिर कोई भी इस तरह की शेप जिसमें कोई भी कट वगैरह में कोई भी ज्यादा घुमाव ना हो, इस तरह की शेप में आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। मतलब यूज तो आप इसको हर तरह के नेक में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फिनिशिंग वाला जो नेक है वो ये नेक है जो हमने आपको बताए हैं, इसमें आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको हमारी पूरी इस वीडियो में कुछ भी सीखने में परेशानी है तो आप हमें कमेंट करें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक हमारा वीडियो जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।